ये गाड़ी मुझे उस टाइम पड़ी थी साढ़े दस लाख रुपए ऑन रोड पे ये गाड़ी जो है ये कर दी जाएगी इस साल के अंत तक हर जगह लाइट वेट गाड़ी का प्लस नहीं रहता मारुति की बिल्ड क्वालिटी ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट था जो कि इंडिया में फेल हो गया हेलो करना क्या है हमें नहीं करनी हेलो हेलो एवरीवन गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू द चैनल जैसा कि टाइटल थंबनेल से आप लोगों को पता चल ही रहा है तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है आप लोगों के लिए और बड़ी देर से मेरा भी मन था कि भाई क्यों ना अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस जो है इस गाड़ी के साथ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ और फिलहाल हम कुछ इसी तरह की लोकेशन पर भी आ चुके हैं तो सामने आप देख सकते हो ये वो लोकेशन है यहाँ पे मैंने एक बार पहले भी जो है अपनी जिमनी का रिव्यू दिया था और फिलहाल आप मेरे सामने देख रहे हो ये है मारुति सुजुकी जिमनी तो लगभग ये गाड़ी लिए हुए मुझे एक साल दो महीने हो चुके हैं स्टोरी जो है इस गाड़ी की वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही आज मार्केट में और गाड़ियाँ भी हैं जो फोर बाय फोर प्लस फाइव डोर ऑप्शन के साथ हमें मिलती हैं क्या कुछ मेरा उनके ऊपर ओपिनियन है और क्या कुछ एक्सपीरियंस मेरा इस गाड़ी के साथ रहा है वो सारी चीज़ें मैं आज आपको डिटेल में बताऊँगा तो बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करते हैं ये गाड़ी मैंने बाई करी थी दो जुलाई 2023 को ठीक है तो गाड़ी उस टाइम आए हुए दो महीने ही हुए थे काफ़ी ज़्यादा उस टाइम तक हाइप थी इस गाड़ी की और मैंने ये गाड़ी दिल्ली से जाके ली थी क्योंकि जम्मू में मैंने यह गाड़ी बुक करवा रखी थी बट मुझे इसका जो है बेस मॉडल नहीं मिल रहा था मुझे मिल रहा था टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट मिल रहा था ठीक है तो वो मैं लेना नहीं चाहता था बिकॉज वो उस टाइम के हिसाब से काफ़ी एक्सपेंसिव था और ये गाड़ी उस टाइम जो ऑन रोड प्राइस था इसका लगभग फिफ्टीन लाख रुपीज़ के आसपास था बट क्या है कि मैं दिल्ली गया स्पेशली बिना बुकिंग के मैंने ये गाड़ी ली थी तो मुझे पचास हज़ार की एसेसरीज़ भी लेनी पड़ी थी उसमें से कुछ मैंने अपनी गाड़ी में यूज कर ली और कुछ आज भी वैसे ही पड़ी हुई हैं तो लगभग आप कह सकते हो कि ये गाड़ी मुझे उस टाइम पड़ी थी साढ़े पंद्रह लाख रुपए की ठीक है तो साढ़े पंद्रह लाख रुपए की ये गाड़ी पड़ी और उसके बाद आप देख सकते हो इसके ऊपर काफी सारी मैंने जो है मॉडिफिकेशन भी करी हुई हैं जैसे आप टायर बम्पर हेडलाइट्स ऊपर रूफ रैक देख रहे हो स्नॉर्कल देख रहे हो तकरीबन तकरीबन जो भी अच्छी चीजें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सारी मैंने इस पर मॉडिफाई करी लेते टाइम इस गाड़ी को काफी ज्यादा एक्साइटेड था मैं उसके दो रीजन थे पहला रीजन य था कि जब जिमनी ग्लोबल मार्केट में आती थी ना, तब से ही मुझे ये गाड़ी बहुत पसंद थी एंड लाइक like जब मैं यूट्यूब पे भी मेरा चैनल उतना एक्टिव नहीं था तब से ही मैं इस गाड़ी को बहुत ज्यादा पसंद करता था और एक चैनल है आप भी जाके वो सर्च कर सकते हैं रोम ओवरलैंडिंग तो अब तो खैर उनके पास भी जिमनी नहीं है अब शायद वो हाईलेक्स पे वीडियोस बनाते हैं जब पता नहीं बनाते भी या नहीं बनाते कैसे इंस्पिरेशन सी आ जाती है ना बंदा बोलता है हाँ भाई मुझे भी ये करना तो उनके पास थ्री डोर जिमनी थी उन्होंने उसको बहुत अच्छे से मॉड किया हुआ था प्लस उस पर एक ओवर सेटअप बना हुआ था तो तब से मेरा था कि भाई एक ऐसी गाड़ी कभी इंडिया में आए तो मैं बाय करूँ पहला रीज़न था ये एंड दूसरा रीज़न था मेरा चैनल कि ये फोर बाई फोर गाड़ियों से रिलेटेड मेरा चैनल है तो उस चक्कर में भी क्योंकि ये गाड़ी ट्रेंडिंग में थी और ये गाड़ी लेने से पहले इस पर मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई उन सब पे मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस आया क्योंकि गाड़ी नहीं थी एंड इवन एक हमारे साथ इस गाड़ी के साथ एक मसला भी हुआ था ये गाड़ी ऑफिशियली मार्केट में आने से पहले ही हमें टेस्टिंग के लिए मतलब कुछ भी करके आ गई थी और मैंने कुछ वो वीडियोज़ भी डाली थी आखिर थार और जिमनी में फ़र्क क्या है दोनों गाड़ियों में तो ये काफ़ी सी हाइप सी बनी थी तो मुझे लगा क्यों ना अगर इस गाड़ी की हाइप है तो खुद लिए लिए जाए क्योंकि जब आपकी गाड़ी खुद की रहती है तो आप उसे एक बहुत ही अच्छे लेवल से एक्सप्लोर कर पाते हो जैसे किसी की गाड़ी है कंपनी की गाड़ी आप उसे दिल खोल के एक्सप्लोर नहीं कर सकते अपने ओपिनियन उस पर नहीं दे सकते लेकिन अगर आपकी गाड़ी खुद की है तो आप उसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो तो ये दो वजहें थी जिस वजह से मैंने ये गाड़ी बाय करी एंड कितने की बाय करी वो भी मैंने आपको बता दिया उसके बाद गाड़ी के साथ जो हमारा एक्सपीरियंस रहा वो मैं आपको बताता हूँ तो ये गाड़ी लेते ही मतलब जब मैंने ली हाँ इसका लोग कंपैरिजन देखना चाहते थे कैसा ये उस टाइम जो सबसे हाइप्ड गाड़ी थी मार्केट में वो थी महिंद्रा थार तो इसका जो डायरेक्ट कंपटीशन हो गया वो हो गया महिंद्रा थार से वहीं पे जो है मामला थोड़ा सा गड़बड़ा गया सबसे पहली गलती जो कंपनी ने इसके साथ करी वो थी इसकी ओवर प्राइजिंग कंपीट करना था इसने महिंद्रा थार के साथ परफॉर्मेंस एक अलग चीज़ है बट बेसिकली जो दिखने में मसला था ये गाड़ी महिंद्रा थार के मुकाबले में काफ़ी छोटी दिखती थी ये गाड़ी स्पेसिफिकली जो है इंडियन मार्केट में ही लॉन्च की गई मतलब बाहर थ्री डोर जिम फाइव डोर जिमनी नहीं आती थ्री डोर ही आती है लेकिन सिर्फ इंडियन मार्केट को देखते हुए फाइव डोर लॉन्च की गई लेकिन वो मसला भी जो है इंडिया में कुछ खास चल नहीं पाया क्योंकि ओवर प्राइस थी तो गाड़ी सेल्स का नंबर उतना कर नहीं पाई रोड परफॉर्मेंस अगर आपको देखनी है तो मेरे चैनल पर काफी सारी वीडियोजन की डाली हुई हैं ये कहते हैं पापा है तो वो कहते हैं बच्चा है यार पर मेरे क्यों लग रहा है लैंड हो गई है वो जाके आप देख सकते हो और आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि हाँ भाई परफॉर्मेंस कैसी है बट परफॉर्मेंस एक अलग चीज़ है कंपनी जो है वो तो सेल्स के नंबर पर ही चलेगी ना बिकने पर ही चलेगी अब गाड़ी ना लगी बिकने तो कंपनी ने सोचा क्या करें यूनिट हैं बेचने हैं फिर इस पर एक ऐसा काम शुरू हुआ जिन्होंने ये गाड़ी जैसे मेरे जैसे लोगों जिन्होंने ली थी उन सबको बहुत ही दुख हुआ इवन आज भी दुख होता है लेकिन चलो कोई बात नहीं तो ये गाड़ी शुरू हो गई जी डिस्काउंट पे तो शुरू कैसे हुई पहले इस पर आया जी डेढ़ लाख रुपये का डिस्काउंट ठीक है फिर थोड़े बहुत कुछ लोगों ने यूनिट बिके फिर बात नहीं बनी फिर इस पे आया कोई ढाई लाख रुपए का डिस्काउंट देख रहे हो आप ढाई लाख तक का जो डिस्काउंट था ये था 2023 में एंड रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो भाई साहब इस गाड़ी पे साढ़े तीन लाख रुपए तक का डिस्काउंट जो है वो कंपनी ने ऑफ़र कर दिया एंड कई कई जगहों पे तो मतलब मैं बताऊं साढ़े चार लाख रुपए भी अब मुझे नहीं पता वो कैसे हिसाब था क्योंकि मेरी इस गाड़ी में काफ़ी सारी चीज़ें ऐड ऑन थी इंश्योरेंस भी रहता है वैसा फिर उसके बाद एक एक्सटेंडेड वारंटी भी रहती है और लास्ट टाइम मुझे किसी ने बताया कि ये जिमनी उन्होंने बाय करी साढ़े दस लाख रुपए ऑन रोड पे जो गाड़ी मैंने साढ़े पंद्रह लाख रुपए की ली है वो किसी ने साढ़े दस लाख रुपए में भी ली सबकी अपनी अपनी किस्मत है उस पॉइंट पे हम बात नहीं करते हैं लेकिन अब मार्केट में सिनेरियो जो है वो थोड़ा सा बदल चुका है क्यों बदल चुका है क्योंकि अब ये गाड़ी इकलौती ऐसी गाड़ी नहीं है जो मतलब एक ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ के साथ आती है एक ऑफ रोडर कह सकते हैं फन एस यू भी कह सकते हैं फोर बाय फोर एस यू भी कह सकते हैं क्योंकि सबसे पहले इसका यू एस पी यही था कि ये फाइव डोर ऑप्शन के साथ आती थी इसके कंपेरेटिवली अगर हम देखें थार जो है वो थ्री डोर में आती थी गुरखा जो है वो थ्री डोर में

क्योंकि मारुति जो है वो नंबर पे ही जो है चलती है क्योंकि मारुति गाड़ियों का जो सेल्स का नंबर है है वो काफी ज्यादा हाई रहता है। अगर इस गाड़ी का सेल्स का नंबर उतना ज्यादा हाई नहीं है तो ये गाड़ी इंडियन मार्केट में कंटिन्यू कैसे होगी कंफर्म नहीं है लेकिन ऐसा सुनने में है कि ये गाड़ी जो है ये डिसकंटिन्यू कर दी जाएगी इस साल के अंत तक होगी नहीं होगी वो तो हमें नेक्स्ट ईयर पता चल ही जाएगा बट अगर इसको डिसकंटिन्यू नहीं भी करते हैं तो भी मुझे लगता है थार रॉक्स के आ जाने के बाद शायद ये गाड़ी लोगों का दिल नहीं जीत पाएगी ये जो मेरा ओपिनियन है वो एक अलग चीज़ है अब मैं आपको इस गाड़ी के साथ अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करने वाला हूँ ये नहीं है कि भाई मुझे पाँच लाख रुपये का नुकसान हो गया अब मैंने कंपनी की बुराई करनी है गाड़ी की बुराई करनी है नहीं जो एक्सपीरियंस मैंने इस गाड़ी के साथ लिया है वो मैं आपको सारा शेयर करूँगा इस गाड़ी के साथ जितना मैंने अपनी किसी भी गाड़ी के साथ ऑफ रोड किया है सबसे ज़्यादा जो ऑफ रोड है वो मैंने इसी गाड़ी के साथ किया है जिप्सी के बाद अगर हम बोलें क्लिप्स जो है वो आप बीच बीच में देख रहे हो मतलब बहुत ज्यादा हेविली मॉडिफाइड गाड़ियां जो उपस्टेकल करती हैं वही सेम मैंने इस गाड़ी के साथ भी किए हैं और इवन कि ये कोई बहुत ज़्यादा उस तरह से मॉड नहीं है मतलब अगर आप इसकी सस्पेंशन देखोगे एक टू इंच की मैंने सस्पेंशन इसमें डाली हुई है बट डेढ़ इंच की ही आती है और टायर जो है वो थोड़ा सा साइज बढ़ाया हुआ है ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़े टायर हैं और बहुत बड़ी सस्पेंशन है बट स्टिल इट परफॉर्म्स वेल ये हर जगह अब एक चीज़ जो बड़ी मुझे भी लगता था और बड़ा मार्केट में सुनने में भी आता है कि अगर आपकी गाड़ी लाइट वेट है तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी देखो ऐसा नहीं है हर जगह लाइट वेट गाड़ी का प्लस नहीं रहता जैसे आप कभी ऐसे पथरीले रास्ते पर चलेंगे गाड़ी ग्रिप जो है वो लूज करती है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स लाइट वेट वहीं पे अगर हैवी गाड़ी होगी तो वो काफी दब के चलती है इसका प्लस ये है जो मुझे पर्सनली काफी ज्यादा फील होता है और वो है इसका साइज इतने से साइज के साथ फोर बाय फोर कैपेबिलिटीज का मिलना एक बहुत बड़ा प्लस है आप किसी गली में घुसा दो किसी पहाड़ के कोने पे खड़े हो बहुत कम स्पेस इस गाड़ी को चाहिए वो इसका एक यू है फोर बाय फोर परफॉर्मेंस की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छी है इस गाड़ी की क्योंकि इसमें एक हमें बी मिल जाता है ठीक है ब्रेकिंग लॉक डिफ्रेंशियल मिलता है जो कि हमें ऑफ में स्पेसिफिकली बोले तो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है निकल जाएगी बाइक रुको मैं टाता हूँ क्योंकि ऑफ रोडिंग पॉइंट से मैं इस गाड़ी से बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ कि भाई ये गाड़ी ऑफ रोड में परफॉर्म नहीं करती बहुत अच्छा परफॉर्म करती है हाँ ये इसमें एक दिक्कत है कि बिल्कुल स्टॉक में ये कुछ परफॉर्म नहीं करेगी वो एटलीस्ट आपको इसमें टायर जो है वो थोड़ा सा बड़ा डालना पड़ेगा और उसके बाद अगर आप थोड़ा और चाहते हैं तो थोड़ी सी लिफ्ट किट आप डाल लें कोई सी भी डाल लें स्पेसर वाली भी आती है पूरी सस्पेंशन वाली भी आती है बाकी बम्पर और ये सारे जो ऊपर का रूफ रैक है ये सारे तो लुक्स के पॉइंट से हैं स्नारकल शायद में भी थोड़ा जरूरी रहेगा आपको उतनी वाटर वेडिंग करनी है अदरवाइज बाकी चीज़ों का शायद उतना यूज़ नहीं है जो मैंने कर रखा है क्योंकि इसमें एच टायर आता है जो कि ऑफ में बिल्कुल भी आपको हेल्प नहीं करने वाला तो छोटे बच्चे यहाँ पर वेट कर रहे थे अपने पापा का काफ़ी देर से तो ये देखिए क्योंकि पानी है ना तो क्रॉस कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा था लॉन्ग रूट्स के बारे में तो इस गाड़ी से मैंने उत्तराखंड आदि कैलाश तक ट्रैवल किया है उसके बाद मैं इस गाड़ी को लेके हाईवेज़ पे तो आता जाता ही रहता हूँ थोड़ा सा आपको पावर में दिक्कत लगेगी और उस पावर को हल करने के लिए मैंने इसमें थ्रोटल कंट्रोलर जो है वो लगा रखा है यहाँ पे ठीक है तो इससे मुझे बहुत ज्यादा नहीं बट हाँ थोड़ी बहुत हेल्प जो है वो हो जाती है इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वो है कंपनी की सपोर्ट कंपनी की सर्विस भाई साहब मारुति है तो सर्विस आपको अच्छी ना मिले ऐसा हो नहीं सकता हो सकता है किसी को ना भी अच्छी सर्विस मिली हो मारुति की तरफ से बट मेरा मारुति के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और गाड़ी अगर मैं आपको बता दूँ चली कितनी है गाड़ी चली है लगभग अभी ये ट्वेंटी uh, थाउजेंड नहीं हुई है और ट्वेंटी थाउजेंड वाली सर्विस है वो पेंडिंग है इसमें एम टी टायर साइड स्टेप्स लगा रखे हैं ऊपर जो है रूफ रैक लगा रखा है क्योंकि मैं ओवर लैंडिंग भी करता हूँ पीछे कुछ लुक्स के हिसाब से कि ये स्पाइलर सा लगा रखा है नॉर्मली लोग शायद जिमनी को इतना पसंद करें ना करें बट पर्टिकुलरली ये वाली देख के सबको लगता है कि हाँ भाई ये कुछ अच्छी दिख रही है क्योंकि इस पे इतना दो ढाई लाख रुपए के लगभग मॉड्स जो है वो हो रखे हैं मारुति की बिल्ड क्वालिटी तो भाई साहब इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी कैसी है तो मतलब छे एयर बैग तो आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं ठीक है ए वगैरह वो सारे फीचर्स तो है ही है बट लोहे की अगर हम बात कर लें जब बॉडी की अगर हम बात कर लें तो आई एम नॉट दैट मच सेटिस्फाइड बिल्ड क्वालिटी में मुझे ये गाड़ी बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग नहीं लगती है बट वो मारुति की खैर सभी गाड़ियों के साथ वही जो है है तो तकरीबन सब लोगों को आती है. अब मुझे क्या वो चीजें लगती है दो चीजें मुझे और लगती है जो शायद कंपनी कर सकती थी लेकिन कंपनी ने की नहीं थ्री डोर जिमनी सब जगह आती थी लेकिन कंपनी ने इंडियन मार्केट को देख के फाइव डोर जिमनी निकाली जब आपने इंडियन मार्केट को देख के जिमनी फाइव डोर निकाल दी तो फिर आपको इंडियन मार्केट को देख के दो और चीजें कर लेनी चाहिए थी एक तो इस गाड़ी को अगर लॉन्च कर देते डीजल इंजन के साथ इंडिया में एवरेज का बहुत इशू रहता है और ही नहीं जो कि कभी टैंक जो है वो चालीस लीटर का है, तो मतलब कहीं भी जाना है तो आप एक टैंक में क्या ही एक्सपेक्ट करोगे पहुंचोगे आपको फ्यूल भरवाना पड़ता है बार बार जो कि बहुत ही बड़ी दिक्कत मुझे लगती है इस गाड़ी के साथ शायद ये गाड़ी डीजल में लॉन्च करते तो थोड़ी सी एवरेज उसकी बढ़ जाती है और लोगों का थोड़ा सा माइंड भी वैसा रहता है कि हाँ भाई फ्यूल इकोनॉमी है और डीजल इंजन वैसे भी लोग पसंद भी करते हैं ग्लोबली डीजल कहीं आती नहीं है मुझे लगता है शायद कंपनी को इंडिया के हिसाब से ये कर देना चाहिए था और दूसरी चीज ये गाड़ी जो है ये फोर बाय टू ऑप्शन के साथ नहीं आती ये फोर बाय फोर ऑप्शन के साथ ही आती है महिंद्रा ही देख लो मतलब उनको पता है कि मार्केट के साथ कैसे खेलना है फोर बाय टू गाड़ी इतनी ज्यादा लॉन्च कर रखी है सबको ऑफ नहीं करनी सबको इस तरह की गाड़ी जरूर चाहिए बट सबको ऑफ नहीं करनी ये माइंड सेट है अब मुझे नहीं पता कि इस गाड़ी का इंडिया में क्या फ्यूचर रहने वाला है ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट था जो कि इंडिया में फ़ेल हो गया वजह जो मर्ज़ी रही हो चाहे कंपनी की गलती है या इंडियन सोसाइटी का सोच वैसा है थार के साथ इसका कंपैरिजन था जो मर्ज़ी था बट हाँ इंडियन मार्केट में जैसा इस गाड़ी को परफॉर्म करना चाहिए था जब जो लोगों की इससे उम्मीदें थी ये गाड़ी वो नहीं कर पाई तो गैस इसी के साथ वाइंड अप करते हैं अपनी वीडियो को और बस एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि भाई साहब जिस किसी के पास भी ये गाड़ी है चाहे आपने पंद्रह लाख में ली है या दस लाख रुपये में भी ली है लेकिन आपने एक बहुत ही बढ़िया गाड़ी जो है वो बाय करी है इंडियन रोड्स के हिसाब से इंडियन पहाड़ों के हिसाब से फन है एडवेंचर है आप चार लोग कहीं जाना चाहते हैं ओवर लैंडिंग करना चाहते हैं बहुत बढ़िया पैकेज है जिसने सस्ते में लिया तो उसकी तो सोने पे सुहागा हो गया जिसने महंगा भी लिया तो कोई बात नहीं चलता रहता है वो आपकी किस्मत रही तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आप लोगों के कुछ डाउट्स जो हैं वो तो क्लियर हुए ही होंगे इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं आपसे फिर किसी नई वीडियो के साथ टिल दन एंड टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग बाय बाय thank you